चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए, और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 6 है जो क्लास 8 में है, पॉलीगन है। अब पॉलीगन होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, मतलब जो क्लोज्ड फिगर हो, पॉलीगन बोलते हैं क्लोज फिगर को। कोई भी क्लोज फिगर, चाहे वो सर्कल है, चाहे ट्रायंगल है, चाहे रेक्टेंगल है, कोई भी, या सिंपल कह सकते हो, देखो यहाँ पर देखो मैं एक साइड खींच रहा हूँ, इससे डायग्राम क्लोज नहीं हुआ, मैं एक और खींच रहा हूँ, दो से भी डायग्राम क्लोज नहीं होता है, चार और से क्लोज फिगर होना चाहिए। जैसे ही मैं थर्ड साइड खींचूँगा तो कम से कम क्लोज फिगर के लिए कम से कम मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए आपके, 3 साइड तो होनी चाहिए, उसे बोलते हैं क्लोज फिगर, और वो पॉलीगन भी कहलाता है। सर्कल भी एक पॉलीगन है, सबसे हाईएस्ट। इसे निकलता कैसे है, ये कैसे बनता है, देखो मेन तो क्या होता है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कितने टुकड़े करना चाहते हो। जैसे मान लो ये पॉइंट आपके ये रहा, और मैंने एक टुकड़ा और कर दिया और एक टुकड़ा और कर दिया। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाली लाइन, फिर एक ये वाली लाइन। जैसे अगर मैं इसको ऐसा करूँ, कोई भी डायग्राम, कोई भी लाइन कह सकते हो, जैसे ये रहा, ये वाला लाइन हो गया, इस पॉइंट के ही टुकड़े कर दे तो आपके फिर ऐसे ही हर एक, जैसे ये डायग्राम भी दे रखा है, जैसे ये लाइन हो गई, या फिर आपकी ये वाली लाइन हो गई, या फिर आपके इस लाइन को ऐसे मानते हुए आप ऐसे भी बना सकते हो, बाहर की तरफ भी बना सकते हो फिगर, कोई भी अलग अलग डायग्राम है, मतलब ये भी पॉइंट टुकड़े होता है, बाहर की ओर निकलता है। अगर ये आपको पॉइंट समझ में नहीं भी आता है तो इसे रहने दो, सिंपल बता देता हूँ आपको। कम से कम 3 लाइनें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। जैसे ये है आपके कोऑर्डिनेटर, या फिर ये है आपके पेंटागॉन, फिर होता है आपके हेक्सागॉन जिसमें 6 साइड होती है, या होता है ऑक्टागॉन, ये इसमें 8 साइड है, एक होता है हेप्टागॉन, एक होता है हेप्टागॉन। हेप्टागॉन में क्या होता है आपके, ये उसे हिंदी में बोलते हैं सप्तभुज, 7 भुजाओं वाला। ऐसे ही आगे 10 साइड का, 9 साइड का, 11 साइड का, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और सबसे लास्ट फिगर जो बनेगा जिसमें इन्फिनिट बहुत सारी साइड्स हो, उसे बोलते हैं सर्कल। सबसे छोटा ये होता है और सबसे बड़ा होता है आपके सर्कल, क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लोज फिगर को ही हमेशा क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये तो हो गया आपके सिंपल पॉलीगन, और एक होता है रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड आर इक्वल, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल, उसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 4 साइड में चारों साइड इक्वल हो, और ध्यान देना है तीनों साइड भी इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, साइड के साथ साथ एंगल भी इक्वल होने चाहिए, नहीं तो फिर वो रोम्बस बन जाएगा, ये क्या है आपके स्क्वायर है। ऐसा नहीं है सर जी 4 साइड मैंने इक्वल ले ली लेकिन इसका एंगल इक्वल नहीं है ना, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। रेगुलर पॉलीगन इसमें आपके साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल ऑपोजिट एंगल ही इक्वल है, इसमें ऑल एंगल इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, वो होता है आपके रेगुलर पॉलीगन। जैसे रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर हेक्सागॉन, रेगुलर हेप्टागॉन या ऑक्टागॉन, जैसे ये वाला जो है ना, ये ऑक्टागॉन है, ऑक्टागॉन है, ये हेक्सागॉन है,
ये पेंटागॉन है, ये क्वाड्रिलेटर है, और ये वाला आपके ट्रायंगल है। तो ऑल डायग्राम जितने भी है ना, जितने भी तीन या तीन से ज़्यादा साइड वाला जो भी है, वो सब क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन दो टाइप का बताया मैंने, एक सिंपल होता है और एक रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। पेंटागॉन भी अगर बनाओगे तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि आपके ऑल एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, और पूरे पूरे 500 एंगल इक्वल होने चाहिए, और 500 साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसे बोलते हैं रेगुलर पेंटागॉन। तो ये जो है ना रेगुलर पेंटागॉन है। और कुछ होते हैं नॉर्मल पेंटागॉन, जैसे ये रहा, यहाँ 90 बन रहा है लेकिन यहाँ 90 नहीं बन रहा है, यहाँ ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो ये वाला आपके सिंपल पेंटागॉन है, और ये आपका रेगुलर पेंटागॉन है। ये रेगुलर है जिसकी मतलब जिसकी ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो। अब ये जो डायग्राम है, ट्राइंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटर है, चाहे पेंटागॉन हेक्सागॉन है, ये आपका दो टाइप का होता है। अब ये आपके टू टाइप का होता है, एक होता है आपके कॉन्वेक्स और एक होता है आपके कॉनकेव। कॉन्वेक्स और एक होता है आपके कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स का मतलब होता है जिसका डायगोनल बाहर की ओर बने, या फिर जिसका जो ईच एंगल है, कॉन्वेक्स में होता है कि जिसका ईच एंगल बिलो 180 होता है, बिलो 180, और इसका कोई भी एनी वन या एनी टू या एनी थ्री, कोई भी एक एंगल मोर देन 180 हो जाए, मतलब कोई भी एक कोण कितना आ जाए 180। जैसे मान लो ये जो भी है ना आपके, ये समझो है ना, ये केवल एक एंगल 60 है, ये वाला 90 है, इसमें मान लो कि ये 108 होगा, इसके अंदर मान लो कोई बड़ा एंगल हो गया 135 हो गया, या 165 हो गया, या फिर 175 भी हो जाएगा, लेकिन ये कभी 180 या 180 से कम, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। 180 जैसे आता है, देखो ये वाला अगर कोई डायग्राम है, जैसे मान लो ये तो है आपका पेंटागॉन, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स कहते हैं। अब कॉनकेव किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये हो गई थ्री साइड, फोर साइड, और ये फिफ्थ साइड अंदर की ओर आ गया, इसमें क्या है, डायगोनल है ना बाहर बन जाता है। ये चीज़ है, ये खास तौर से आपको ध्यान देना है, इसके डायगोनल बाहर की ओर नहीं बनने चाहिए, जिसका डायगोनल अंदर की ओर बन जाए। अब देखो अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, उसमें क्या होगा कि ये 90 मान लो, ये 90 मान लो, और ये वाला आपके हो जाएगा 40 डिग्री समझ लो, ये 40 हो गया। अब ये एंगल क्या होगा आपके 180 से ज़्यादा हो जाएगा, मान लो ये 189 हो गया, या समझ लो कि 289 हो गया, या 219 हो गया, तो ये वाला एंगल जो है ना ये ज़्यादा है, 180 से भी ज़्यादा है, तो इसे कौन क्यों कहते हैं, इसे बोलते हैं। ये फोर साइड का भी होता है, जैसे ये एक बंद आकृति है, ये तो क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसके सारे डायगोनल अंदर की ओर बन रहे हैं। एक अगर ऐसा बना लो, इसमें भी फोर साइड है, इसके सम भी है ना, चारों एंगल के सम वो होते हैं 360 होते हैं, लेकिन होता क्या है, 360 तो है लेकिन इसका जो एक एंगल है ना वो 180 से ज़्यादा चला गया, ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपके कॉनकेव कहलाएगा। अब हमें इनके अंदर बनने वाले एंगल और बाहर बनने वाले एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये है डायग्राम, ये तो कहलाते हैं इसके अंदर वाले एंगल, जिसे बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल, और एक होता है आपके एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक लाइन ध्यान देना, ये लाइन यहाँ से आगे खुल रही, तो ये लाइन भी आगे से खुलेगी और ये लाइन भी आगे से खुलेगी ऐसे, तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये कहलाते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इनका आप खास तौर ध्यान देना है, बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर कहलाते हैं, और डायग्राम के अंदर बनने वाले एंगल जो है वो कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। इनका भी आपको ध्यान देना है, इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं अगर सिंपल आपको अभी सिंपल बेसिक बताया है मैंने,
अभी इसके एंगल का सम कितना होता है या कितना नहीं होता वो मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ आपको। उससे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्सरसाइज है ही, तो मैं इसमें लेता हूँ यहाँ पर आपके 6.1 लेता हूँ, ये रहा 6.1। इसमें देखो आपके पूछा है कि ड्रॉ और द डायगोनल, अगर डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो देखो इसका डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। इसका डायगोनल, डायगोनल मतलब यही होता है कि एक दूसरे से लाइन एक छोड़कर एक लाइन मिलनी चाहिए, और देखो एक छोड़कर एक मिलनी चाहिए, यहाँ भी ऐसे मैंने बना दिया। इसका बनाएंगे तो ऐसा बनेगा डायगोनल, इसका बनाएंगे तो भी आपके ऐसा अंदर ही बनेगा, इसका बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे डायगोनल बहुत सारे बन जाएंगे। ऐसे ही हर एक का करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1, तो ऐसे बनते हैं बहुत सारे डायगोनल, डायगोनल बनते हैं बड़ा जितने बना सकते हो। फिर ये वाला है, ये सारे डायगोनल मैंने बना दिए। तो ड्रॉ द डायगोनल पेंसिल से बनाने हैं आपको। पूछा क्या है इसमें, ये ध्यान देना है। सबसे पहले इसने पूछा है आपसे इन विच शेप डायगोनल विल बी इनसाइड, डायगोनल अंदर किस में है, तो आपको लिखना है इसका आंसर क्या। देखो ये दो तो बाहर बन रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स वाला डायग्राम के जो अंदर बन रहे हैं, और फर्स्ट सेकंड के कहाँ बन रहे हैं, बाहर की ओर बन रहे हैं। सेकंड यही पूछा है आउटसाइड में कितने बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब आइडेंटिफाई करना है ऑल द टाइप ऑफ पॉलीगन, इसमें कैनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स बताना है। जो मैंने अभी बताया था जिसका डायगोनल बाहर बन रहा है वो है कॉनकेव, तो ये भी कॉनकेव है ये भी कॉनकेव है, और जिनके डायगोनल अंदर की ओर बन रहे हैं ये वाले आपके कॉन्वेक्स है। तो ये सारे चार तो कॉन्वेक्स है और ये वाले आपके कॉनकेव है। अब है क्वेश्चन नंबर टू, इसमें पूछा है कि इंटीरियर एंगल के नाम बताओ। तो इंटीरियर एंगल जो भी है ना आपके ये वाले हैं, अंदर वाला नाम है ए बी सी, छोटा वाला ऐसे छोटा वाला ए बी सी डी और ई, ये अंदर बनने वाले एंगल इंटीरियर होते हैं, और बाहर बनने वाले पी क्यू, ये बड़ा नाम नहीं है तो कोनों के नाम है, ये वर्टिक्स है ए बी सी डी। तो अब जो बाहर वाला एंगल है वो पी क्यू आर एस और टी, तो ये हो जाएगा आपके पी क्यू आर एस और टी, ये हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल हो जाएंगे। अगला है कि आपको डिफाइन द रेगुलर पॉलीगन। अभी मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, कम से कम मिनिमम 3 साइड होनी चाहिए जिस डायग्राम की, 3 साइड या उससे ज़्यादा क्लोज फिगर, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो हमें बताना है रेगुलर पॉलीगन इन विच 3 साइड, मतलब इन विच साइड दे रखी है, देयर साइड लिखा हुआ है। रेगुलर पॉलीगन जिनकी 5 साइड है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंटागॉन, मैंने अभी लिखाया था। 6 साइड उसे बोलते हैं हेक्सागॉन, अगर साइड 7 होती तो हेप्टागॉन, और साइड 8 है तो क्या आएगा ऑक्टागॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है हेक्सागॉन ऑक्टागॉन क्या होते हैं। अब इसमें आपके बाहर वाले एंगल और अंदर वाले एंगल के बारे में दे रखा है, तो एंगल के बारे में हम अब पढ़ेंगे कि कौन सा कितने डिग्री का होता है। तो देखो ये अंदर वाले फिगर के एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर, अंदर वाले का रूल्स अलग है और बाहर वाले का रूल्स अलग है। इसमें क्या है, देखो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो फिक्स है, वो होता है आपके 360, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, तो बाहर बनने वाले चारों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 फिक्स है, कभी भी कह दो वो क्या होगा आपके फिक्स होगा 360 डिग्री। अगर आपको पेंटागॉन का लेना है तो ये मैं पेंटागॉन का ले रहा हूँ यहाँ पर, यस ये बाहर वाले एंगल है ना, इनका सम भी कितना होता है आपके 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होता है कितना होता है 360 होता है। हाँ अगर आपको ईच एंगल निकालना है, देखो अगर आपको ईच एंगल का मतलब है कि प्रत्येक एंगल निकालना है, तो उसके लिए केवल रेगुलर पॉलीगन होना ज़रूरी है,
रेगुलर के बिना काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है आपने कोई भी ले लिया तो ये 90 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ऐसा काम नहीं आता है, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर मतलब जैसे मान लो मैं पेंटागन बना रहा हूँ ऐसा, अब अगर ये जितने भी एंगल बनेंगे आपके ये ऐसा सारे के सारे देखो आपको एंगल सेम दिखेंगे बिल्कुल, ज़्यादातर 80 जैसे मान लो 360 है, अब आपको हर एक को बराबर बराबर बांटना है तो 5 का डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपके 72 72, तो मतलब ये भी 72 होगा, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72, ये भी 72। हाँ लेकिन अलग अलग हुए तो फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, सारे नहीं कर सकते, अगर अलग अलग दिए हुए हैं तो फिर 4 दिए आने चाहिए, फिर 5वां हम फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5ों ही फाइंड करो, तो वो 5ों फाइंड करने के लिए आपको ऑल आर एंगल फाइंड करना है तो रेगुलर होना ज़रूरी है। अब ये जो एंगल हमने निकाला 72 इस फॉर्मूले से निकाला, तो अगर आपको निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 टोटल होता है उसमें नंबर ऑफ साइड का क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, एन मतलब होता है आपके नंबर ऑफ साइड, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर देंगे, जैसे आपके ट्रायंगल है, अब यहाँ पर देखो दो एंगल अलग दे रखे हैं तो तीसरा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीनों ही गायब हो तो फिर वही है 360 में हम 3 का डिवाइड करेंगे जिससे हमें यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120 और यहाँ पर भी 120, ईच एंगल चेंज होता रहता है लेकिन इन तीनों का जो सम है ना वो कितना होगा आपके 360 होगा। जैसे अगर मान लो कोई भी आपके स्क्वायर है तो इनका सम भी जैसे ये 90 समझ लो ऐसा, तो 360 अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपके 90। अगर आपको ईच एंगल निकालना है, हर एक एंगल निकालना है तो उसके लिए रेगुलर डायग्राम होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, जैसे स्क्वायर है, पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है, ऐसा होना ज़रूरी है। और हमें क्या करना है केवल 360 में साइड का डिवाइड कर देना है जिससे मुझे ईच एंगल मिल जाए। अब ये आपके है इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल का जो सम है वो चेंज होता रहता है, इसमें चलता है आपके 180 का गैप चलता रहता है, 180, 360, 540। अब ये है ट्रायंगल के लिए, ये है आपके क्वाड्रिलेटर के लिए, ये है पेंटागॉन के लिए, और 720 है, ये है आपके हेक्सागॉन के लिए, फिर ये हेक्सागॉन के लिए है, और ये वाला है आपके हेप्टागॉन के लिए है, और ये जो है आपके ऑक्टागॉन के लिए है। अब देखो इसमें 3 साइड है और 18 की जो टेबल है ना, 180 की टेबल है, ये 1 टाइम बोलना पड़ता है, ये आपको 2 टाइम बोलना पड़ता है, ये आपको 3 टाइम बोलना पड़ता है, ये आपको 4 टाइम बोलना पड़ता है, और ये आपको 5 टाइम, और ये आपको 6 टाइम बोलना पड़ता है तब आता है। अब देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल है, इसमें होती है 3 साइड, इसमें होती है 4 साइड, इसमें होती है 5 साइड। अब यहाँ पर तो 3, 4, 5 साइड है और इधर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, तो दोनों में जो गैप है ना वो कितना है, 2 का गैप है, दोनों में कितना गैप है, 2 का। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको फाइंड करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर आपको फाइंड करना है तो जितनी साइड है, जितना क्या है साइड है, उसमें से क्या करेंगे हम 2 कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 180 की टेबल 1 टाइम ही बोलना है, तो अब हम क्या करेंगे 3 में से ये 2 घटा देंगे और यहाँ लिखेंगे हम 180, मतलब किसी भी साइड से अंदर से हम 2 माइनस कर दो, जैसे ये रहा हेप्टागॉन, ये पेंटागॉन है, इसमें से अगर मैं 5 में से अगर 3 घटा दूँ तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 5 में से 2 घटाना पड़ेगा, 2 माइनस करना है, तो पीछे कितना बचेगा आपके 3 बचेगा, और 3 को जैसे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो पेंटागॉन होता है, ये रहा पेंटागॉन, इसके 5ों एंगल का जो सम है वो आ जाएगा आपके 540 आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि अभी साइड 3 होती है तो 180 टेबल 1 टाइम ही बोलते हैं, साइड 4 होती है तो या 2 टाइम बोलते हैं, मतलब हर बार 2 कम बोलते हैं, तो इन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि n-2 into 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके सम ऑफ
इंटीरियर एंगल आ जाएगा, वो फॉर्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आपको हर एक एंगल निकालना है, ईच एंगल निकालना है, वही मैंने पहले ही बताया था, ईच एंगल ऐसे नहीं निकलता है। ईच एंगल अगर चार दे रखे हैं इसमें तो एक आराम से ज्ञात कर सकते हैं 540 से माइनस करके, लेकिन अगर सारे गायब हैं तो ईच एंगल निकालने के लिए आपको रेगुलर डायग्राम होना ज़रूरी है। रेगुलर पॉलीगन का ही ईच एंगल निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर ईच एंगल निकालने के लिए हमने यहाँ पर एन का डिवाइड किया था, किसमें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल में, तो यहाँ भी हम यही करना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये फॉर्मूला है इसमें हम नंबर ऑफ साइड का क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो जैसे नंबर ऑफ साइड का डिवाइड करते हैं तो आपको ईच इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन का मिल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके, ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और ये है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। बस इसमें एन जैसे ही डिवाइड करते हैं ना तो आपके रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल आ जाता है इजीली। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब